जिस तरह से आंख में धूल झोंक कर सत्ता में आने का उन्होंने काम किया था, अभी फिर से वही काम उन्होंने शुरू किया है कि सरजमीन पर आप देखेंगे तो उनका काम कुछ दिखता नहीं है, लेकिन खाता बही में आप देखेंगे तो वो अपना काम गिनाने जरूर लग जाते हैं। हम अगर पिछले सरकार की थोड़ा सा याद दिलाएं, क्योंकि आज हम लोग समाज कल्याण से संबंधित या महिलाओं से संबंधित विषय आपके सामने हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी को फोकस करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो सरकार के स्तर से अगर समाज कल्याण का बात हम लोग करेंगे तो समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग का जो मूल काम है वो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जो संचालित होता है, और आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं और उसमें सेविका सहायिका बने संचालित करते हैं। सेविका सहायिका को अगर अभी आप लोग देखेंगे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है उनको अभी तक भी यूनिफॉर्म इस साल का नहीं मिल पाया और यह साल पूरा हो गया। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम इसलिए यहीं से शुरू कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में पिछले सरकार ने जब रघुवर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इस राज्य में आप लोग को ध्यान में होगा कि कुपोषण किस हद तक बढ़ा हुआ था। कुपोषण को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए पोषण सखी का नियुक्ति हुआ था इस राज्य में, लेकिन वर्तमान सरकार जैसे ही सरकार में आए और पोषण सखी का नियुक्ति उन्होंने रद्द कर दिया या खत्म कर दिया, उन लोगों को अब नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो मेरे ये कहने का मतलब है, ये मैं जिस तरह से अपने चुनावी वादों में महिलाओं के साथ भी उन्होंने वादा किया था हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, और जो अभी भी वो बातें जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल बोल के लोगों को दिग्भ्रमित करने का उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। हम बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो शुरू हुआ था, पिछले सरकार ने शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में उस योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले के नाम से लागू है, चालू किया गया है। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है, आपका योजना तो वही है लेकिन नाम बदल के आप क्या करना चाहते हैं? बोतल वही है, आपने ढक्कन सिर्फ बदल दिया है। तो इन्होंने इस तरह का काम किया है। पिछले सरकार ने जीरो वर्ष से शुरू किया था यह पैसा देने का, जो एक स्लॉट में 5,000 दिया जाता था, और इस सरकार में 8वां क्लास से देना शुरू किया है। तो अगर जो गरीब लोग हैं तो पहला से 8वां तक वो कैसे भेजेगा, कैसे पढ़ाएगा? कोई सीधा तो 8वां क्लास में भर्ती नहीं होगा। तो ये एक तरह से, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंकने का वो काम कर रहे हैं। तेजस्विनी योजना आपको ध्यान में होगा, तेजस्विनी योजना का बहुत फोकस उस समय हुआ करता था जो राज्य के 17 जिलों में चलता था, और आज वो योजना बिल्कुल बंद हो गया। इस सरकार ने वो योजना को बंद कर दिया, और उसमें किशोरियों के लिए और परित्यक्ता, तो ये दो बहने उससे लाभान्वित होते थे, लेकिन आज के समय में यह योजना भी उन्होंने बंद कर दिया। महिला किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है, महिला किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है। अगर हम लोग कहेंगे कि महिलाएं आगे पढ़ लिख के आगे बढ़े या फिर संपत्ति अर्जित करे, ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं, तो यह सरकार को ये भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आप याद करिए कि 1 रुपया में 50 लाख तक का रजिस्ट्री महिला के नाम से होना था, या पूर्व के सरकार ने लागू किया था, लेकिन जैसे ही वर्तमान सरकार सत्ता में आई
और इस योजना को उन्होंने बंद कर दिया। राज्य में आपको याद होगा महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुला था इसको भी इन्होंने बंद कर दिया। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था लेकिन उन्होंने ये इसको भी बंद कर दिया। हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं महिला आयोग का इन्होंने अभी तक गठन नहीं किया। महिला आयोग का अब 4 साल से ऊपर हम लोग प्रवेश कर गए, अब महिला आयोग का गठन कब होगा? आप सोच सकते हैं कि इन 4 सालों में कितने कितने केसेस आए होंगे, कितने महिलाएं, कितने बहनें सफर किए होंगे, दर दर भटके होंगे, लेकिन उनको कहीं भी न्याय, आखिर कहाँ जाएंगे, अपनी बातें कहाँ रखेंगे? तो सरकार को इसकी चिंता बिल्कुल ही नहीं है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यह सरकार जो है महिला विरोधी है, यह सरकार जो है महिला विरोधी है। और इसीलिए चूंकि हम संथालपुर का नाम के रहने वाले हैं, आप सभी लोगों को मालूम है, वैसे तो कुछ विषय हमारे विधायक जी रखेंगे, लेकिन उसी से कुछ पार्ट हम चूंकि संथालपुर का नाम के हैं इसीलिए उसको टच कर दे रहे हैं। आपको ध्यान में होगा बहन रूपा तिर्की, बहन रूपा तिर्की का हत्या होता है जो साहिबगंज जिला में कार्यरत थी। हम सभी को याद होगा संध्या टोकनो का भी घटना किस कदर मारा गया। हम सभी को याद होगा दुमका में अंकिता के घटना जो पेट्रोल से जला दिया जाता है। हम सभी को याद होगा दुमका की एक और आदिवासी बहन थी जिनको जो प्रेग्नेंट थी और उनका हत्या करके उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो इस तरह का कितनी कितनी घटनाएं हैं और इसीलिए हमने कहा कि कोई भी बहन सुरक्षित नहीं है। वैसे तो राज्य के एक एक जनता सुरक्षित नहीं है और बहने तो विशेष करके सुरक्षित नहीं है। तो हम इसीलिए करार दे रहे हैं यह सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लोगों के आंखों में धूल झोंक सकते हैं और यह सरकार नौकरी छीनने वाली सरकार है, यह सरकार महिला विरोधी सरकार है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारी अपर्णा जी बात रखेंगे। धन्यवाद लोहित जी, आपने विस्तार से हमें महिलाओं का जो सुरक्षा हो, सम्मान हो या जो भी विस्तार से रखे, उपस्थित है हमारे महिला मोर्चा के प्रदेश की अध्यक्षा आरती जी, आरती कुजूर जी, और उपस्थित हमारे प्रेस के साथी, नया साल के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, ये स्वर से प्रार्थना करती हूँ। अभी हमारे पूर्व मंत्री लुईस मरांडी जी ने विस्तार से आपके समक्ष सारी बात को रखे, बस हमको और कुछ नहीं, कुछ दो चार बिंदु ही कहना है। जैसे 2019 में जब ये गठबंधन की सरकार, मतलब ठगबंधन की ये सरकार, ये जे में कांग्रेस और आरजेडी की ये सरकार 2019 में घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत सपना इस राज्य की जनता को दिखाए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे। सुरक्षा कहाँ मिल रहा है वो तो हमारे पूर्व मंत्री जी बताएं। आज ये इस राज्य की जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, अगर बच्चियां घर से स्कूल कॉलेज जाती हैं तो जब तक घर नहीं लौटती हैं तब तक पेरेंट्स लोग का चिंता रहता है कि हमारी बच्ची सही सुरक्षित घर लौटेगी क्या नहीं। ये बहुत बड़ा बात है। और सही में 6 साल से लेकर 7 साल की महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार की घटना घट रहा है, किस तरह से हत्या हो रही है, ये तो इस राज्य की जनता देख रही है कि हम महिलाओं का सुरक्षा कहीं से नहीं है। चुनाव के समय बहुत वादा किए थे कि महिला सुरक्षा को देखते हुए कि जब हम सरकार में आएंगे तो महिलाओं के सुरक्षा को देखते हुए हमें महिलाओं का बैंक का स्थापना करेंगे, हमें महिलाओं के लिए थाना
इन्होंने खुद वादा किए थे 3 लाख आबादी में हम महिलाओं का थाना का मतलब हम स्थापना करेंगे, और हम लोग महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते बराबर विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं कि 3 लाख आबादी का जो आपने घोषणा किए थे 2019 में वो कहाँ गया, इस पर हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता है विधानसभा में। साथ ही ये महिला विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है। हर साल डायन के शक में महिलाओं की किस तरह से हत्या किया जा रहा है, आए दिन आप अखबार आप लोग के माध्यम से जनता हम लोग देख रहे हैं। महिलाओं का जो खिलाफ अपराध रोकने में सरकार पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है, किसी तरह से ये सरकार महिलाओं का सुरक्षा हो सम्मान हो नहीं मिल रहा है। आप लोग देखते हैं शिक्षा के विषय में कस्तूरबा विद्यालय में बच्चियों का कोई सुरक्षा नहीं है, आए दिन कस्तूरबा विद्यालय में देखते हैं कि बच्चियां किस तरह से किसी तरह से गार्ड का व्यवस्था नहीं है। हम अपना विधानसभा में ही बोल रहे हैं निरसा में, वहां से कुछ दिन पहले बच्चियां अचानक गेट से बाहर चल जा रही है, कोई सुरक्षा नहीं है, फिर पता चल रहा कि वो अपना घर चल गई है, तो किस तरह से अपना घर वो चली गई, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, पौष्टिक आहार नहीं है, तो ये मिला जुला के ये जन विरोधी सरकार है। जन विरोधी में सब आता है लेकिन विशेष करके ये महिला विरोधी सरकार है, महिला किसी तरह से सुरक्षित नहीं है। ये गरीब महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमा चूल्हा खर्च का घोषणा किए थे, हम चूल्हा खर्च देंगे, कहीं से कोई साबित नहीं हुआ। बहुत सारे बात है ये सरकार ने वादा किए थे, ये The follow-up.in, like, share, and subscribe.